हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज डेट 18, जो भाई हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जैसे कि कल इन मेरे भाई ने की थी आपको बाटा चौक का रिव्यू, तो ये मेरे कज़न है रेहान और मेरा नाम है तैयब। तो आज ये हमारे डेरे पर आए थे तो इनको कहना था कि हमारी जो कुर्बानी की बच्ची हैं उनका रिव्यू कर दे और भाइयों को शो करवा दे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि इन भाई ने गोंदल मंडी से, मेरे कज़न है असल में, तो इनके डेरे में आए हैं और वेड़ियाँ जो इन्होंने कुर्बानी के लिए, मैंने कहा उनका रिव्यू करवा दें आपको और उनका शो करवा दें। तो अभी हम चलते हैं कि ये देख लें। सबसे पहले ये है, ये थी धोंदी, ये भी गोंदल मंडी से ली थी। प्राइस आपने गैस करनी है जी, प्राइस ही बताएंगे, प्राइस अगले वीडियो में बताएंगे। ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, ये नज़र नहीं आ रही होगी, सबर मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ। सारी इंतहाई शरीफ है, कोई मारने शारने वाली नहीं है, देख सकते हैं। चलते हैं एक-एक करके और शो करवाते हैं। चले, इन भाई का कहना है कि इनको बाहर निकालते हैं। तो हमने इनका नाम भी रखा हुआ है, इसका नाम है जी बोलू, उसका नाम नहीं डाला क्योंकि इसका नाम इसलिए बोलू डाले है, साई शरीफ है और ये सही मोटी है पीछे आगे से, तो उसका नाम है शब्बो, वो मुझे प्यारी लगती है, बिल्कुल शरीफ है, इसका नाम इसलिए शब्बो रखा है, अभी इसका सोच के रखेंगे। तो ये भी चाचू की है, ये भी चाचू की है, ये हमारी है ये वाली। तो अभी आपको इनका बाहर निकाल के शो करवाते हैं। चलो जी अभी बाहर निकालते हैं इसको, सबसे पहले शब्बो को निकालते हैं। कॉल के जाओ जी। अभी रेहान भाई खोलने गए हैं उसको, तो अभी बाहर रोशनी में आएगी तो आपको सही तरह नज़र आएगी। लो जी शब्बो आ रही है। माशाल्लाह जी, एक बार कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है, ठीक है? आगे लेके जाएं जी दरमियान में। तो कैसी लगी आपको, थोड़ा बहुत रिव्यू दे इसका। बात ही भी है जी थोड़ी थोड़ी, अभी इसकी तारीफ की है तो मारना शुरू हो गया। क्या कहेगी आप जी? माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, आप इसका शो करें। धोंदी है जी, ये भी सारी धोंदी है, फेस ब्यूटी इसकी देखें, फुल आगे पीछे से भरी हुई है, बिल्कुल शरीफ, इंतहाई शरीफ। इसको एक बार आगे से टोरा लगवा के आते हैं। थोड़े बहुत हमने कुत्ते भी रखे हुए हैं, असील मुर्गे भी हैं, हीरे और कबूतर भी है, ये सब अबू का शौक है जी, और कुत्ते कज़न ने रखे हुए हैं। तो अभी आपको इसकी मस्ती की शॉर्ट्स दिखाते हैं, ये देख लें। इधर से पुराना वाला डाल दें, ठीक है? इधर से पुराना। इधर से पुराना वाला डाल दें, ठीक है? इधर से पुराना। कि आपको पहली बिछड़ी का शो करवा दिया, तो अभी मेरा दिल है जी अगली को खोल के लाएं। माशाल्लाह, एक बार ज़रूर आपने कमेंट पे लिखना है। तो कैसी लगी आपको? अभी रेहान भाई से भी पूछते हैं, बताएं फिर आपको कैसी लगी है ये। इधर सामने तो है, अभी वो गाय को ज़रा बांध रहे हैं। रिव्यू दे जी इसका, रिव्यू दे ज़रा इसका। माशाल्लाह से बहुत प्यारी मासूम है, गोल मटोल आगे पीछे से, अब इसका शो करवाते हैं इस वेड़ी का। अभी करते हैं जी इसका शौक। तो रेहान भाई खोल रहे हैं जी, ये भी शरीफ है, तकरीबन सारी शरीफ है, वो थोड़ी बहुत मस्ती करती है, बाकी सारे शरीफ हैं। उसका नाम भी आपने गैस करके बोला? हाँ, उसका नाम आपने रखना है जी, ये आप रेहान भाई की फरमाइश पे आपने नाम उसने रखना है। तो चले जी इसको बाहर निकालते हैं जी। मुझे बस इसकी फेस ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, पीछे से आप देखिए बिल्कुल भरी हुई है फुल, ये देसी चीज़ों का कमाल है, कोई फीड शीट नहीं डाल रहे हम। तो अभी इस व्लॉग में हम आपको इनका चारा जब डालेंगे वो भी दिखाएंगे, बहुत अच्छी है, देखे इसकी मस्तियाँ भी से शुरू हो गई। ये भी धोंदी है, तो ये भी देसी में आ रही है, सारी कुछ जंगी देसी में है, तो ये भी धोंदी है। आपका क्या कहना जी? माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बैग से इसका आप रिव्यू करवाएं इनको एक बार, मैं इसको बैग भी दिखाता हूँ, बिल्कुल इसको भी मैं आपको शॉर्ट बना के दिखाता हूँ, देखिए
बैक से देखें, बिल्कुल गुलाइयाँ शलाइयाँ भरी हुई हैं, कोई फेड की शीट नहीं है। क्या करें किसने, तो अभी इसका भी शॉट दिखाते हैं। तो आपने देख लिया होगा जी कितनी मस्ती का ही है ये, बिल्कुल जान पे इसे संभाले नहीं हो रही। तो अभी देखते हैं। ओहो जी मच्छर ये नहीं जी, आराम से जी आराम से, नहीं कुछ कहेगी भाई, डरो ना। बहर आओ जी इसका भी रिव्यू दो। माशाल्लाह एक से बढ़कर रह गया, आपने खुद बताना है ये कैसी लगी आपको। अभी तीसरी का रिव्यू करवाते हैं आपको। तीसरी यार मेरा दिल नहीं है कि तीसरी को खोलें, क्योंकि वो अभी खाना खा रही थी, हमें देखे वो डर गई है। तो क्या कह रहे हैं उसको तंग ना करें तो बेहतर है, शाम को दिखा देते हैं। शाम को मतलब अभी चार के टाइम इनको बाहर निकालेंगे ना, फिर रिव्यू करवाएंगे उसका भी जी। तो फिर आपको सिनेमेटिक शॉट भी डाल दूंगा मैं इसके पीछे, तो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह बोलना। अभी तो अभी गाय को दोबारा, बच्चों को दोबारा अंदर बांध लिए, वैसे भी शाम का टाइम हो गया है। तो तैयब अभी खुलियाँ साफ कर रहा है, तो इनको बाहर बांधेंगे, वनडे का टाइम भी होने वाला है इसलिए तैयब अभी खुलियाँ साफ कर रहा है, खुलियाँ साफ कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब गाय को बाहर लेके जाते हैं, मंडा शंडा तैयार हो गया, बारी बारी सबको लेके जाएंगे। जैसे कि आपने देखा अभी हमने मंडा तैयार किया है, रियानी साहब ने देखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा मेरा, मुझे तो अच्छा शौक हो गया इसका। अब आप ही कमेंट, व्यूवर से कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। इसको बाहर बांधते हैं, चल अब इसको बांध दिया, दूसरी की बारी आ रही है, उसकी तरफ चलते हैं। अभी जी खाना खाने देते, देखे कितने शौक से खा लिया, एक बार दिखा के जी इनको। वो देखिए वो अपना वंडा खाना शुरू कर दिया उसने। अभी इसकी बारी आ रही है, इसको इसको बाहर बांधते हैं। देख सकते हैं अभी इतने शौक से खाना खा रही है, बस आपकी भाई की मेहनत है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो मेरा दिल है कि पार्ट टू हो जाए बाटा चौक के लिए, तो देखते हैं मैं और रियान चलते हैं आज, तो कल या आज शाम तक ही आपके पास वीडियो होगी।